हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स वगैरह और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर स्क्रूटनी और रिवीजन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, कब तक आएगा। ठीक है, इसके बारे में जावेद मुस्तफा सर ने भी आज एक ट्वीट किया है और आपको मालूम भी होगा कि बच्चे इनके साथ भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछते रहते हैं। इसको बताने से पहले मैं आप सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नए चैनल का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, उसको वॉच जरूर करेंगे और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किए रहेंगे। एक बार सभी बच्चे जाकर के चेकआउट जरूर करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वो अपना ही चैनल है। बात कर लेते हैं इस ट्वीट के बारे में। यहाँ आप देखिए जावेद मुस्तफा ने लगभग 2-3 घंटे पहले का ट्वीट किया है कि पुनर्मूल्यांकन यानी कि रिवोल्यूशन और स्क्रूटनी के रिजल्ट आने की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, मिलते ही बता दूंगा। मतलब इनके कहना है कि मिलते ही दूंगा, जो भी जानकारी आएगी, जो जानकारी थी वो पूर्व में ही दे चुका हूँ। #स्टूडेंट्स #BTUP। देखिए बच्चे इनके साथ भी बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और पूछते रहते हैं, हालांकि बच्चों को परेशानी होती है और जो फाइनल ईयर में पास आउट हो गए हैं उनको काफ़ी ज़रूरत है इनकी, इसलिए कि उनका बैक क्लियर होता है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए कि नहीं क्लियर होता है स्क्रूटनी और रिलेशन में, तो फिर से उनका समझिए कि फिर से आगे चल के बैक पेपर देना होगा, तो अभी फिर कहीं जॉब वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज परेशानियां तो काफी सारी हैं। तो अभी देखिए मैंने जो आपको आधिकारिक डेट बताई थी कि लगभग लगभग आप नवंबर में, लगभग 20 नवंबर के आसपास इस डेट को लेकर करिए, कुछ आगे पीछे हो सकता है, इसलिए कि BTUP कोई ऑफिशियल जानकारी देगा नहीं। अब जो भी जानकारी देंगे, जावेद मूसा सर वहां से बात करते रहते हैं, तो वो जानकारी देंगे कि हाँ कब तक आ सकता है। अभी से मान लीजिए कि कॉपियों की जाँच वगैरह होनी है, हो रही है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। तो जैसे ही कोई इनके द्वारा अपडेट आता है या फिर मुझे कोई अपडेट मालूम चलता है, तो मैं आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा। एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर जरूर दौड़ाएंगे और ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके सारी चीजों को देख लेंगे, नए चैनल को एक बार देख लेंगे, अगर वीडियो वहां पे अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।